चिल्ड्रेन, माई सेल्फ वैशाली दुबे फ्रॉम हायर सेकेंडरी स्कूल सोनाखार। स्टूडेंट्स, एमपी बोर्ड के द्वारा जो क्वेश्चन बैंक जारी की गई है उसमें आज हम क्लास टेंथ में जनरल इंग्लिश सब्जेक्ट पर ईयर 2020-21 की क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम सेक्शन वाइज इन क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, समझेंगे। इसमें सेक्शन ए पे जो रीडिंग कंपैरिजन के नाम से जाना जाता है, इसमें तीन पैसेजेस आपको एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं, जो 5 मार्क्स के एक पैसेज होगा, जिसमें आपके ऐसे तीन पैसेज मिला करके 15 मार्क्स यानी 15 नंबर के तीन क्वेश्चंस पैसेज के फॉर्म में पूछे जाएंगे, जिसमें एक पैसेज जो होगा जिसमें 5 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। अब ये किस तरह से आएंगे हम जानते हैं, चलिए हम प्रैक्टिस करेंगे। अ यंग फादर वॉज विजिटिंग एन ओल्डर नेबर, यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज की हम प्रैक्टिस करेंगे। अ यंग फादर वॉज विजिटिंग एन ओल्डर नेबर, यहाँ पर एक जो नौजवान पिता है वो विजिट कर रहे थे एक बूढ़े पड़ोसी के यहाँ। दे वेयर स्टैंडिंग इन द ओल्डर मैंस गार्डन, और वे जो थे जो बूढ़े व्यक्ति के बगीचे में खड़े थे, दोनों नौजवान पिता और उस ओल्डर यानी बूढ़ा व्यक्ति। एंड टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रेन, और वे आपस में बच्चों के विषय में बात कर रहे थे। द यंग मैन सेड, जो नौजवान आदमी था उसने कहा, हाउ स्ट्रिक्ट शुड पेरेंट्स बी विद देयर चिल्ड्रेन, उसने पूछा किस तरह से बच्चों को हाउ स्ट्रिक्ट यानी कठोर होना चाहिए पेरेंट्स यानी माता पिता को विद देयर चिल्ड्रेन यानी बच्चों के साथ। द ओल्डर मैन पॉइंटेड टू अ स्ट्रिंग बिटवीन अ बिग स्ट्रॉन्ग ट्री एंड अ थिन यंग वन, जो बूढ़े व्यक्ति थे उन्होंने स्ट्रिंग यानी तार जो एक बड़े स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत पेड़ और एक नौजवान पेड़ के बीच बंधी हुई थी उसकी तरफ इशारा किया। प्लीज अनटाई दैट स्ट्रिंग, और उस बूढ़े आदमी ने कहा कि इस रस्सी को खोलो, अनटाई करना यानी खोलना, ही सैड उसने कहा। द यंग मैन अनटाइड इट, और जो नौजवान आदमी था उसने उसे खोल दिया। एंड द यंग ट्री बेंट ओवर टू वन साइड, और ऐसा करने से जो नाजुक यानी नौजवान पेड़ था वो ऊपर की तरफ से, ओवर यानी जो ऊपरी हिस्सा होता है ना पेड़ का, बेंट यानी वो झुक गया वन साइड यानी एक तरफ। नाउ टाई अगेन प्लीज, और उसने कहा एक बार इसे फिर से बांध दो, टाई करना है ना बांध देना, सैड द ओल्डर मैन, उस बूढ़े आदमी ने कहा। बट फर्स्ट पुल द स्ट्रिंग टाइट सो दैट द यंग ट्री इज स्ट्रेट अगेन, और उसने कहा कि बस पर तुम इस रस्सी को थोड़ा टाइट बांधना उस, ताकि जो नौजवान पेड़ है वह स्ट्रेट अगेन यानी क्या हो सके, फिर से एक बार सीधा हो सके। लास्ट लाइन में उसने यही कहा कि जो पेड़ है उसको आप रस्सी जब बांधें तो उसे जब नौजवान पेड़ से कुछ इस तरह से बांधना ताकि वह सीधा के सीधा फिर से एक बार हो जाए। द यंग मैन डिड दिस, जो नौजवान आदमी था उसने यही किया। देन द ओल्डर मैन सेड, तब फिर बूढ़े आदमी ने कहा, इट इज द सेम विद चिल्ड्रेन, ऐसा ही बच्चों के साथ है। यू मस्ट बी स्ट्रिक्ट विद देम, तुम्हें उनसे कठोर होना चाहिए, बट समटाइम्स पर कभी कभी यू मस्ट अनटाई द स्ट्रिंग टू सी हाउ दे आर गेटिंग ऑन, उन्हें कुछ समय के लिए अनटाई यानी खोल देना चाहिए उनकी रस्सी को और देखना चाहिए कि वे कैसे ऊपर की ओर जा रहे हैं या उनका क्या प्रोग्रेस है, इस चीज़ को आपको देखना है। अनटाई द स्ट्रिंग मतलब बच्चों को रस्सी से बांधने, यहाँ का बांधने से मतलब नहीं है, बच्चों को कठोर, बच्चों के साथ थोड़े से कठोर संबंध को रखना है ताकि वे अच्छी आदतों को सीख सके, यहाँ पर ये मतलब है। इफ़ दे आर रेडी टू स्टैंड अलोन, और यदि वे खड़े होने के लिए अकेले तैयार हो जाए, यू कैन टेक द स्ट्रिंग अवे, तब आपको उस रस्सी को दूर कर देना चाहिए या उसे खोल देना चाहिए, मतलब बच्चों को फिर उनके साथ स्ट्रिक्ट नहीं रहना चाहिए आपको, ये मैसेज हुआ। देखिए क्वेश्चंस क्या आएंगे। ए नंबर पे क्वेश्चन लिखा है, वेयर द मैन स्टैंडिंग, आदमी कहाँ खड़े थे दोनों, द मैन वेयर स्टैंडिंग इन द ओल्डर मैंस गार्डन, कहाँ खड़े थे जो आदमी थे, द मैन, ये वेयर वर्ड जो ऑक्सिलरी है इसे यहाँ लगाएंगे,
वेयर लिख करके स्टैंडिंग लिखेंगे, फिर इन द ओल्डर मैंस गार्डन, ये पैसेज में आपको मिल जाएगी ये लाइन। हमने अभी ऊपर की स्लाइड में ये लाइन पढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द ओल्डर मैन आस्क द यंग मैन टू डू विद द स्ट्रिंग। जो बूढ़े आदमी ने क्या कहा था यंग मैन से उस रस्सी के साथ करने के लिए कि क्या करना है रस्सी को। द ओल्डर मैन आस्क द यंग मैन अनटाई द स्ट्रिंग। उस आदमी ने, बूढ़े आदमी ने कहा था उस रस्सी को खोल दो। नौजवान व्यक्ति से क्या कहा था, अनटाई यानी खोल देना, स्ट्रिंग यानी रस्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद होम शुड द पेरेंट, पेरेंट्स भी स्ट्रिक्ट समटाइम्स, कभी कभी किन के साथ होना चाहिए माता पिता को स्ट्रिक्ट यानी कठोर। द पेरेंट्स, आंसर कहाँ से लिखेंगे, द पेरेंट्स बी, द पेरेंट्स के बाद में जो शुड ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे, द पेरेंट्स शुड बी स्ट्रिक्ट समटाइम्स विद देयर चिल्ड्रेन। ओल्डर मैन ने कहा था ना कि कभी कभी पेरेंट्स को उनके बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट होना चाहिए, तो यहाँ पर हम आंसर में क्या लिखेंगे, विद देयर चिल्ड्रन, द पेरेंट शुड बी स्ट्रिक्ट समटाइम्स विद देयर चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द अपोजिट ऑफ द वर्ड डिफरेंट। डिफरेंट यानी होता है अलग अलग, इसका अपोजिट वर्ड हमको पैसेज से ढूंढना है और इसका जो मीनिंग है, डिफरेंट का अपोजिट होता है सेम यानी एक सा, डिफरेंट यानी अलग अलग और एस ए एम ए सेम यानी एक सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट अल्टरनेटिव, यहाँ खाली स्थान भरना है। व्हेन द यंग मैन अनटाइड द स्ट्रिंग द यंग ट्री डैश 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 टू वन साइड। जैसे ही उस नौजवान व्यक्ति ने रस्सी को खोला, जो नौजवान पेड़ था क्या हो गया था, एक तरफ से फेल डाउन, वेंट ओवर, स्टूड स्ट्रेट एंड डिडंट बेंड। और करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू पैसेज क्या था, बेंट ओवर, मतलब वो झुक गया था ऊपर की ओर एक तरफ से, टू वन साइड। ओके, करेक्ट आंसर क्या होगा, बेंट ओवर। सो ये पैसेज यहाँ पर एंड होता है। हम ऐसे ही आगे और पैसेज की प्रैक्टिस करेंगे। आप इसे अपनी कॉपी में लिखिए, ये क्वेश्चंस को याद कीजिए, इनके आंसरों को अपने माइंड में सेट कीजिए, आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।